बस मैं बस खेती करके बैठा देख के उसको आप लोग जल्दी सॉर्ट आउट करो। या गांगुरा कितना है इस गांव में? गांगुरा तीन है सर। तीन है गांगुरा, अभी कोई नहीं है गांगुरा। कुछ केस के लिए वो गया बस्ती का, कुछ लोकल केस। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने जो पैसा दिया गया है तो उसको सलता के आप लोग को कहीं एक रिलोकेट करके कोई जगह में, वो पैसा रेडी है सरकार का तरफ से देने के लिए? हाँ, तो ऐसा मीटिंग करवा के गांव वाला को अच्छा से मिल के सिप करने से ठीक रहेगा। तो शुरू करते हैं ना, थोड़ा सा हम लोग अपना उसमें से थोड़ा सा कर लेगा। तो मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा बस्ती के ओर से। मैं अभी यूथ सोसाइटी मेंबर में अभी से ज्वाइन किया हूँ। जो भी हम लोग को समझाना या मैसेज देना जो भी है आप लोग दे दीजिए। उसके बाद जो हम लोग की तरफ से या रिक्वेस्ट करना हो या आप लोग को बात को वो करना है वो तो हम लोग बाद में बस्ती वाला पूरा मिलके, गंबरा भी नहीं है अभी मेन बात, तो हम लोग सब लोग मिलके तभी जब डिसीजन होगा तभी हम लोग वो बात को आप लोग को जवाब दे सके। सही, थैंक यू ना, क्योंकि ये इंक्रोचमेंट ये तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नेशनल पार्क का अंदर में है, इसलिए आप लोग भी प्यार से जो सरकार का जो पॉलिसी है उसको मानते हुए गांव वाला को जितना यूथ्स लोग को समझा के और अपना गांगबरा को साथ में बैठ के एक पॉजिटिव डिसीशन लेके अपना दारिद्र को बता दीजिए। और यहाँ अपना जो लोकल एमएलए है, अभी मंत्री है अपना कमलंग मोसंग, और एडीसी का साथ में आप लोग बैठ के पंचायत लीडर का साथ बैठ के उसको सॉर्ट आउट कर लीजिए। प्यार से हर कोई भी चीज़ जो प्यार से समस्या जो समाधान होने से वो अच्छा होता है। हाँ ठीक है, तो इस प्रकार का करना और सर एक रिक्वेस्ट है, जो आपने जो बात बोला है वो एक लाइट लेटर का और से देने से शायद हम लोग वो करेंगे, वो करेंगे ये अपना डायरेक्टर साहब करेंगे और डिपार्टमेंट के तरफ से आप लोग को लेटर भी देंगे और लांगबरा का साथ बैठ के हमारा डिपार्टमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का साथ बैठ के अच्छा से प्यार से सॉर्ट आउट करके आप लोग को सरकार ने जो दान राशि रखा है रिलोकेट के लिए वो आपका पार हाउस होल्ड कुछ पैसा रखा हुआ है उसको भी गवर्नमेंट देने के लिए तैयार है। सर का कहना है पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव भी है, पॉजिटिव होना चाहिए। हम एक रिक्वेस्ट करेगा, मैं एक बात कहूँगा, जो सतौर में आई भी में हम लोग को यहीं से भी आदमी बुला के वो हमें मीटिंग किया था ना, वो हम भी इतना याद नहीं है। उसमें भी मिनिस्टर एक आया था उसी का साथ में हम लोग बात किया। हाँ सर, बात किया तो हम लोग को 10 लाख दे के हम लोग को साइड करेगा बोला था ना, जगह दूसरा करो बोला था। फिर उसी समय में हम लोग बात किया तब हम लोग तो पैसा 10 लाख लेके हम लोग परिवार कहाँ किसे जिएगा, हम लोग जाने के लिए जगह भी नहीं है, हम लोग तो ऐसा तो नहीं कर सकेगा, हम लोग पैसा भी नहीं लेगा बोल के बात किया। तो आप जिससे आप लोग को हटाएगा भी नहीं, भगाएगा भी नहीं, आप लोग को घर भी नहीं जलाएगा, ऐसे बैठो बोल के हम लोग को बोल के गया था। अभी अभी तो इधर में फिर घर भी जला देता है, फिर हम लोग को भी अभी इधर से निकल दे बोला है, कहाँ निकल जाएगा हम लोग पैसा जाके तो कहाँ। सुनिए, ये जो है ना ये आपका नामदापा जो नेशनल पार्क, ये जो है आप लोग जो गांव बैठा हुआ है ये मैप का अंदर में है, और मैप का अंदर में आपने नेशनल पार्क जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो आदमी नहीं बेच सकता है, वो गवर्नमेंट का नेम है, रूल है, वो भारत सरकार का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नेम है। हाँ, इसलिए हम लोग ने आप लोग को प्यार से अच्छा से सभी अपना आदमी है, प्यार से अगर आप लोग कोई एक जगह में जगह देख के कहीं शिफ्ट करने से सरकार का तरफ से आपका धनराशि कुछ फंड दिया जाएगा। हाँ, क्या डिसीशन होगा अभी जो
हमारा सोसाइटी लीडर का ओर से बोला है वही है, हम लोग भी बोल तो नहीं सकते ऐसे, लेकिन ये बात तो बस्ती सिर्फ ये भावना बस्ती के लिए है कि या जो नेशनल पार्क में हम लोग विलेजेस जो हाँ वो ये बात तो हम लोग सब मिला के ही बात करना है, ऐसा नहीं होना है। नेशनल पार्क में आया है और कल रात को दीवार में होल किया और यहाँ में जो जिस हिसाब से जो एंक्रोचमेंट है उसको हम रास्ता में भी देखा कि जिन्होंने इंक्रोच किया अपना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से काफ़ी उसका एक्शन भी लिया गया है और बहुत सा घर को भी उन्होंने विकेट किया है। तो उसको देखते हुए यहाँ 52 मेल्स में अभी पहुँचा है। तो ये गांव में गांव का नाम क्या था, ये अगुखू में गांव में पहुँचा है और यहाँ का लोगों से भी हम डिस्कस किया अभी। और यहाँ मेरे सामने यहाँ का गांव का यूथ लीडर्स माइकल यहाँ मेरे साथ में है। तो हम लोगों ने हमने बताया कि नेशनल पार्क में गवर्नमेंट का एक नेम है कि जहाँ नेशनल पार्क है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ में आदमी इनहेबिटेंट नहीं हो सकता है। तो उसको शायद इन लोग को उतना मालूम नहीं है, ये गांव वाला को वो गवर्नमेंट का जो नियम कानून है उनको अच्छा से पता नहीं है। तो मैंने अभी समझा दिया कि इसको जिस जैसे भी आप लोग डिपार्टमेंट के साथ हम लोग उसको डिस्कस करेंगे और यहाँ का इलेक्टेड लीडर्स रिप्रेजेंटेटिव एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम लोग अच्छा से प्यार से तरीक़ा से हम लोग प्यार से कई दूसरा जगह में शिफ्ट करने के लिए मैंने अभी रिक्वेस्ट किया कि माइकल ने वही बता रहा है कि अभी तक हम लोग भी गांगरा भी नहीं है, उसके लिए एक ऑफिशियली कुछ लेटर आने से हम लोग जरूर उसके लिए हम लोग चिंतन करेंगे। तो वो डिस्कस हुआ है अभी। सर रिलोकेट का बात किया जाए तो सर यहाँ पे अराउंड 8 गांव है एंड देन अराउंड 1000 लोग रहते हैं इधर 8 गांव में अगर टोटल करें तो। रिलोकेट करें तो सर किस कहाँ जाएंगे उन लोग को, कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेंगे जहाँ उन्हें जगह दिया जाएगा विद सम काइंड ऑफ लाइक अमाउंट हेल्प वगैरह? ना ना, उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से फंड दिया जाएगा और जगह में तो अभी वो लोग जिस जगह में सिर्फ या नेशनल पार्क से बाहर कहीं भी अगर उन लोग को बैठना हो तो वहाँ रिजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और नेशनल पार्क से बाहर कहीं भी हम दान से सरकार की तरफ से अगर फंड मुहैया करते हैं तो लोग कहीं भी बैठ के अपना कहीं भी कोई भी जगह में बैठ सकते हैं। सर लेकिन ये सेटलर्स दे हैव बीन हियर इन 90s, उनका 2 generations पास हो गया और एज ए विलेजर उन लोगों का खेती बाड़ी से पैदा होता है एंड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स 15 lakhs दिया जाएगा। डू यू थिंक कि इट विल बी इनफ टू यू नो रीबिल्ड द लाइफ, क्योंकि ये लोग जमीन से जुड़ा हुआ इंसान रहता है? अरे तो यहाँ से कहीं बैठेगा रिलोकेट में भी तो जमीन से तो जुड़ेगा, आसमान में थोड़ी रहेगा। नहीं पर आज के जमाने में सर 15 lakh वुड बी आई थिंक वोंट बी इनफ फॉर अ फैमिली बिकॉज बेटा भी होता है उनका। तो डू यू थिंक कि गवर्नमेंट शुड एटलीस्ट थोड़ा बढ़ा देना चाहिए? ना, उसके लिए हम लोग सोचेंगे, हमारा डिपार्टमेंट उनके बात करेंगे और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग इसका भी उनको भी दुख प्यार से दुख तकलीफ को भी हम लोग देख के और अच्छा गवर्नमेंट की तरफ से जो मदद करना है सिर्फ सब्जेक्ट टू बी यहाँ से वेकेट होना है क्योंकि वो सवाल यही है कि यहाँ से सब्जेक्ट वेकेट हो के वो जाएंगे अगर उनका जो ठिकाना ही नहीं है जिसका नहीं है तो सर उनका वो किस तरह से सर मैनेज करेगा जो फैमिली जैसे पहले बोला कि जिसका कोई जगह ही नहीं है तो नहीं जगह वो सिर्फ कहीं ये जो अपना नेशनल पार्क के बाहर इसके दायरे के बाहर में कहीं अगर बैठना पसंद करेगा तो वहाँ बैठेगा, उन वो अपना जमीन खरीद लेगा या जमीन कहीं बैठेगा बट सब्जेक्ट टू भी नेशनल पार्क से सरकार का नेम है कि यहाँ लोग नहीं बैठ सकता है। तो इसमें एक ही हमारा दो ही लोटा नेशनल पार्क मोलिंग एंड ये अपना नमडापा और ये सारा विश्व भर में इसका बहुत दूर दूर से लोग फ्यूचर में यहाँ में लोग बाहर से आएंगे रिचार्ज करने के लिए आएंगे और अपना फ्लोरा एंड फोना को देखने के लिए आएगा, लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो इस चीज़ को अभी हम कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन नहीं करेगा तो हमारा देश के लिए और इस प्रदेश के लिए नुकसान है। इसलिए हम अपना जो बसा हुआ गांव वालों को भी मेरा ये अनुरोध है कि आप लोग इस मूल्य को समझ के अब अपना इस यहीं से बेकेट हो जाइए। सर
ये जो गांव वाला रहते हैं यहाँ पे, उन लोगों को ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रहता है जंगल का. तो डिपार्टमेंट कुछ ऐसा कोलाबोरेशन नहीं कर सकते कि इंस्टेड ऑफ इवैक्यूएटिंग देम, एम्प्लॉय देम इन द वाइल्ड लाइफ, जो भी ये होता है पोस्ट निकाल के, क्योंकि उन लोगों को ज़्यादा आइडिया रहता है जंगल का. तो ऐसे कुछ मैकेनिज्म कर सकते हैं क्या? अरे अभी भी एसटीपीएफ में तो अभी भी इसी गांव से भी काफ़ी लोग डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहा है. ऐसा नहीं है कि डिपार्टमेंट में जहाँ जहाँ जरूरी है वो गांव वालों से भर्ती किया जा रहा है, वो एसटीपीएफ में यहाँ से भी कितने लोग, 7-8 लोग तो अभी भी काम कर रहे हैं मेरे नॉलेज में. तो बेसिकली यही कहना है कि जो सेटलर है उन्हें यहाँ से निकलना है. सब्जेक्ट टू भी जी ये है कि यहाँ से सिर्फ यही नहीं, कोई भी अगर नेशनल पार्क में जो बैठेगा इनहेबिटेंट या रहेगा वो नेम नीति के दायरे में नहीं है. और यहाँ में नेशनल पार्क और जो टाइगर रिजर्व है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ में वाइल्ड लाइफ को जीने के लिए है, उनको रहने के लिए है, वो इंसान को रहने के लिए नहीं है. इसी सरकार ने इसके लिए उसको डिमार्केशन किया गया है. थैंक यू. क्या क्या बातें हुई और क्या आपकी तरफ से सोचा जा रहा है इसको? तो मेरे तरफ से ये बिस्ती के ओर से जस्ट मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो अभी सर ने हमें समझाया ऐसे मिलजुल के रहना है, फिर भी मेरे तरफ से ये बोलना है कि सरकार को भी हम लोग दुखी नहीं करेंगे, फिर भी अंदर में पूरा घुस के पूरा हम लोग के बारे में पूरा डिटेल्स में वो करने के बाद ही हम लोग के साथ भी बातचीत जो भी करना है तब करने से अच्छा रहेगा. क्योंकि आज तो हम तो ये थर्ड जनरेशन भी बोल सकते हैं, तो उतना में पहुंच गया. फिर हम लोग के जो दादाजी लोग तो मर चुके हैं अभी, उनने हमें बताया जाता है कि हम लोग बचपन से पहले से यहाँ में रह रहे हैं. तो आज तो हम देखने को मिलता है कि आज ही हम लोग यहाँ में नया बैठा जैसा भी ऐसे सुनने को मिलता है, फिर ऐसा नहीं है. हम लोग का जो बारे में अगर डिटेल्स में आप लोग इंक्वायरी करेंगे तब तो हमें आप लोग को और भी जानकारी मिल जाएंगे कब से बैठा है. और उस समय में फॉरेस्ट या कुछ नहीं था. हम लोग का दादाजी ये कहते हैं कि हम लोग जो फास्ट में जब बैठा तब हम लोग को एक आर्मी टीम ने ढूंढ के ये बस्ती के लिए, यहाँ जितना भी फॉरेस्ट हो या इस बस्ती में रहते हैं पूरा नेशनल पार्क के अंदर में, उनके लिए वो लोग कुछ हम लोग का डिमांड को भी या हम लोग जो चाहता है अगर उस हिसाब से होने से तो हम लोग भी कुछ सोचेंगे. फिर भी सिर्फ पैसा के लिए बोलने से तो हम लोग के लिए तो 10-20 लाख देने से भी हम लोग के लिए तो वो एक्सेप्ट नहीं है हम लोग के बस्ती की तरफ. अभी आपने डिमांड के तौर पर बोला कि कुछ दिन के बाद मीटिंग करके आप लोग दोबारा बात को रखेगा, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर मतलब कितने दिन तक ये मीटिंग होगा या बात आप लोग कब दोबारा करेगा जी? तो मेरा वो हम लोग मीटिंग करने का बाद ये नहीं है कि हम इस बात को लेके ही हम लोग चर्चा करते रहेंगे, इस बात की नहीं है. क्योंकि आज हम लोग एक छोटा बस्ती है, फिर भी हम लोग के साथ हम लोग के जैसा मुश्किल में फंसने वाला बहुत से हैं. हम लोग का लीसू ट्राइब के अंडर में यूबिन्स जितना भी रहते हैं गांव, अभी ये तो छोटा है और भी 8-7 गाँव और भी है. तो उन सब के लिए ये हम लोग बातचीत करके सब लोग मिलने के बाद ही करना ये बात को हम लोग जवाब दे पाएंगे. उनसे मिलके भी तो वो ऐसे अलग नहीं बनाया है कब, वो लोग का ये सिमोना नहीं बनाया है, वो लोग अपना से आके बना लिया है. हम लोग इसलिए तो हम लोग नहीं मान सकता है, उसी में भी बहुत झगड़ा हो चुका है. अभी हमको इधर से हटाएगा हम कहाँ जाएगा? मेरा बार बच्चा 10 आदमी है, 12 आदमी है, हम कहाँ जाएगा? वो लोग 15 लाख दे के भी हम जिंदगी तो नहीं गुजारेगा. जानवरी से आदमी तो जान तो बड़ा है ना. तब हम लोग भी कुछ गवर्नमेंट का दुश्मन भी नहीं है, हम लोग भी ये खेती करके खा रहा है. हम लोग कुछ कुछ गवर्नमेंट का तरफ से कुछ भी हम लोग को अभी तक फैसिलिटी कुछ भी नहीं. देखो अभी अभी सुबह आया, अभी हम लोग को बताया भी नहीं है, इसलिए देखो ना हम लोग आदमी भी जमा ज्यादा नहीं हुआ है, इसलिए वो बात को भी हम लोग मंजूर करेगा भी नहीं बोलेगा. क्योंकि हम लोग यहाँ जीना यहाँ मरना है, वो भी शिव तो नहीं है. अभी वो भी सब बात करेगा, उसका बात ही करेगा. अभी आप भी खुद ही देखा है सुबह आके हम लोग को बता दिया, आदमी पूरा जमा भी नहीं हुआ. उसी दिन ये बोला उससे गया तो हम लोग बुलाया भी नहीं, ऐसे ही होता है. इसलिए हम लोग सिर्फ हाँ हाँ बोल से हम लोग कहाँ जाएगा? दादाजी लोग यहाँ मर गया तो हम लोग भी यहाँ मरना है, इसलिए हम लोग मंजूर होगा भी नहीं बोलेगा
नहीं भी हो सकता है। हाँ, इसलिए क्या है कि वो आप लोग को बहुत धन्यवाद। थैंक यू।